मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जम्मू के दौरे पर हैं और वहां वो श्री माता वैष्णो देवी जी दरबार में पहुंच करके माता के दर्शन पूजन किए हैं। मुख्यमंत्री ने भवन में ही प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का भी प्रसारण जो है वो टेलीविजन पर देखा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहां ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कटरा में, जब श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और वहां पर उन्होंने माता के दर्शन किए। इसके साथ ही भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको अमेज़न प्राइम पर दिखा रहे हैं और ये कुछ देर पहले की तस्वीर। इसी के साथ आपको बता दें कि वहीं पर उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात जो है सुनी, टेलीविजन पर देखा उसे और उसके बाद ई गवर्नेंस के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ा ही सौभाग्य है मेरे लिए ये आज के आज माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे साथ उम्र पार्लियामेंट मेरे करनाल के श्री संजय भाटिया जी भी हैं। हमने दर्शन किया, माता जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और यहाँ के पूरे स्टाफ ने, हमारे सीईओ जो वैष्णो देवी इस ट्रस्ट इस श्राइन बोर्ड के हमारे सीईओ हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। यहाँ के स्टाफ ने भी सहयोग किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और विश्व मातृ के मानव कल्याण की हमने आशा की है, हमने मांग मन्नत मांगी है। देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता सभी खुशहाल हों, वह खुशहाली बने और इनके रास्तों में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इस प्रकार की कामना करते हुए। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हरियाणा सरकार का एक हमारा आईटी टेक्नोलॉजी के सिस्टम को लेकर के बहुत से हमने नए जो प्रयोग किए हैं हरियाणा में और यहाँ की सरकार को पसंद आए हैं, तो एक MOU साइन करने की इच्छा यहाँ प्रकट की है, हमने स्वीकार किया। एक MOU होगा, हरियाणा में जितने भी व्यवस्था परिवर्तन की बातें आईटी के माध्यम से मैंने की हैं वो सब जम्मू कश्मीर भी जिनको अडॉप्ट करना चाहेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, इसी एक उद्देश्य को लेकर आए थे। माता के दर्शन हुए बहुत। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता राजेंद्र दुबे का। राजेंद्र, माता के दर्शन किए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत अच्छे से मैंने दर्शन किया। इसी के साथ उन्होंने MOU साइन करने को लेकर के भी बड़ी बात जो है वो मीडिया के सामने रखी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी जानना चाहेंगे। और माता के दर्शन के लिए जब पहुंचे तो किस तरह की व्यवस्था रही थी, कितने खुश दिखे मुख्यमंत्री, वो भी हम तस्वीर आपसे चाहेंगे कि आप हमें बताएं। देखिए किरण, बिल्कुल आपको बता दो कि मनोहर लाल कट्टर जो है जहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे, उनके साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ जो है वो भी उनके साथ वहां पर थे। काफी चेहरे के ऊपर काफी जो खुशी जो है वो उनके चेहरे पर वहां पर देख रहे दिखने को मिल रही थी। भाई वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से कुछ बात भी की और साफ तौर पर यही कहा उन्होंने कि आने वाले दिनों में देश में खुशहाली और आने वाले दिनों में जो लोगों के काम है, जो विकास है वो आगे बढ़ता जाएगा। वही वो अभी कुछ ही देर पहले जहाँ से वो कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए हैं और वहां पर उनका प्रोग्राम है और उसके बाद वो जम्मू में कार्यकर्ताओं से भी मिलेगी, वहां पर उनकी जो भाजपा के बड़े नेता है उनके साथ मीटिंग भी होगी। जी राजेंद्र, अभी आपने जिस तरह से जानकारी दी कि यहाँ से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आगे का उनका क्या क्या कुछ कार्यक्रम है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो MOU साइन करने की बात कही है कि हरियाणा में अगर कुछ बदलाव होता है IT के सेक्टर में तो उस बदलाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, उसको लेकर के और क्या कुछ कहा है? देखिए बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव जो हैं वो जरूर लाए जाएंगे जिनसे कि लोगों को जो फायदा है वो यहाँ पर होगा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चुनावी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव जो है वो आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों को वहां से जोड़ा जा सकता है कि भी आने वाले समय में मनोहर लाल खट्टर अगर 2009 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में उनका काफी ज्यादा अहम जो रोल था वो वहां पर देखने को मिल रहा था। इस बार वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं और तो साफ तौर पर कि आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो उनकी बहुत बड़ी जो बातें हैं
वो जहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका काफी अहम जो रोल है वो जम्मू कश्मीर में भी है। जी राजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं ये जो तस्वीरें हैं MH1 प्राइम पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वो पहुंचे श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए, और उन्होंने कहा, आप उनके चेहरे पर साफ तौर से उस खुशी को महसूस भी कर सकते हैं, जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और बहुत ही अच्छे से मैंने जो माता के दर्शन है वो किए हैं, मैंने यहाँ पर सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की कि हर किसी को खुश रखे, किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए, और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि माता के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, आगे MOU साइन करने को लेकर के, और तमाम जानकारियां और तमाम बातें भी कही कि IT सेक्टर में अगर हरियाणा में कुछ बेहतर होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं।